Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to teach you the types of hotels, how many types of hotels. Okay, so first of all I am going to start with hotels. Hotels is a commercial establishment offering lodging, meals and other service to its guest. Okay, this is for hotels. And second number is motel. About the motel, if I tell you, so it's a motel provided service like a hotel and provides parking facility near the room or room door that opens out into the parking lots. Okay, जो motel होता है वो उसमें room के साथ में parking facility भी near by your room, तुम्हारे room के सामने parking की facility भी होती है. और जब आप अपने रूम के विंडो का डोर ओपन करोगे तो आप पार्किंग को देख सकते हो, पार्किंग लॉट को देख सकते हो. तो इट्स कॉल्ड मोटेल. ओके ओके, अब थर्ड नंबर पे आपको बताता हूँ लॉन्च. ओके, लॉन्च ऑफर्स रेंटेड अकोमोडेशन स्पेशली फॉर स्लीपिंग एंड मे बी नॉट ऑफर फूड एंड अदर सर्विस. जो लॉन्च होता है वहाँ पे खाली आपको अकोमोडेशन यानी कि अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलेगी और उसके अलावा आपको फूड और अदर सर्विस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो उसे लॉन्च कहते हैं. ओके, और थर्ड नंबर पे आपका आता है रिसोर्ट. रिसोर्ट इज नॉन फॉर इट्स लेज़र अट्रैक्शन. जो रिसोर्ट होता है वो अपने खूबसूरती के लिए, अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है. इट ऑफर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ एमिनिटीज, और ये अपने एक अच्छे एमिनिटीज के लिए जाना जाता है. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के लिए भी इसमें अवेलेबल होता है. एंड लिंसियो एक्टिविटीज, और बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. और आप अगर वैकेशन के लिए हो तो आपके लिए गेस्ट रिसोर्ट रहता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द व्हाट इज द गेस्ट साइकिल. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो फ्रंट ऑफिस. The guest cycle start even before the guest physically step into a hotel, and it consists of four steps. Okay, जो guest cycle होता है वो जब guest physically hotel में आने से पहले का एक step होता है. Okay, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. इसमें four stages आपको बताया है, four stages होते हैं. First stage आपका आता है pre-arrival stage. Pre-arrival stage में the activities done in the pre-arrival stage included. Okay, quoting rates for a guest. Second, reserving a room as per the part of central reservation system or reservation department. Okay, जो reservation department होता है उसके द्वारा reservation guest का reservation किया जाता है. और second thing, quoting rates for a guest. जो room का rent होता है, rate होता है, उसके हिसाब से guest को inform किया जाता है. ओके, ये हुआ प्री अराइवल स्टेज का. और सेकेंड नंबर पर आपका आता है अराइवल स्टेज. अराइवल स्टेज में इन दिस स्टेज एज द लिटिल स्ट्रगल द गेस्ट एक्चुअली अराइवल एंड रजिस्टर और चेक इन. अराइवल स्टेज में जो होता है गेस्ट फिजिकली चेक इन हो जाता है होटल पे, और उसके बाद जो गेस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है और चेक इन होता है वो प्रोसेस किया जाता है. ओके, थर्ड नंबर पर आपका आता है ऑक्यूपेंसी. This stage consists of providing various service as per the guest requirement. Occupancy जो third इसका stage होता है उसमें guest को अपने SOP के हिसाब से, कंपनी की पॉलिसी, होटल की पॉलिसी के हिसाब से जो सर्विस के गेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वो दी जाती है. गेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस दी जाती है. और फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ स्टेज में आपका आता है डिपार्चर. दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द गेस्ट साइकिल where the guest is ready to leave, move out or check out. Also you can call check out of the accommodation. An up-to-date records of the room's occupancy of the guest is kept along with other information about the guest known as the guest history. Departure jo stage hai, is stage mein guest ka final check out hota hai, plus guest ka jo billing ka jo bhi guest ka hota hai wo clear karke guest ka check out ho jata hai. Okay, this is I tell you the four stages of guest cycle. Okay, you can see also this is the chart of guest cycle.